हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ फ्रेंड वर्जन। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी हर बार की तरह रखने वाला हूं। बट मोटिवेशनल स्टोरी पे जाने से पहले मैंने आपके लिए एक छोटी सी क्लिप बनाई हुई है गंगा आरती की। कल मैं इवनिंग में गंगा घाट गया हुआ था तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे मतलब गंगा आरती जो हो रही थी इतना लुभाना दृश्य था कि मैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर लाया। चलिए मैं उसको पहले एक छोटे से क्लिप डालता हूँ, फिर उसके बाद हम सीधा चलेंगे अपने मोटिवेशनल स्टोरी के बाद। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो नहरों में तू नहाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो नहरों में तू नहाए। तो आप सबने देखा ना कितना प्यारा सा ये क्लिप था गंगा घाट के आरती का। वैसे तो प्रयागराज में हमेशा ही गंगा आरती होती है, लेकिन अभी के आरती की कुछ बात ही अलग होती है। जैसा कि मेला लगा हुआ है आप सब लोग को पता है, तो आप लोग को मौका मिले तो ज़रूर प्रयागराज घूम कर जाइए। और नहीं तो मैंने तो ये क्लिप आपके लिए बना ही दी है, बाकी अगर आप सामने से खुद से देखेंगे तो उसकी बात ही अलग होती है। तो चलिए हम अपने मोटिवेशनल स्टोरी के साथ शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, ये बहुत ही खास होने वाला। खास क्यों होने वाला है ये मोटिवेशनल स्टोरी? क्योंकि इस स्टोरी में दिमाग लगा है बिरबल का। जी हाँ, तो आप सब लोग तो बिरबल को जानते ही होंगे। दिमाग के उनके क्या ही कहने, अच्छे अच्छे को पसीना आ जाता है उनके दिमाग के सामने। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो एक बार की बात है, राजा अपने नाई से अपना बाल हेयर कटिंग और दाढ़ी बनवा रहे थे हम लोग की तरह। तो नाई ने उनको दिमाग दिया एक चीज़ कि महाराज जी, रात को मेरे सपने में आपके कुछ पूर्वज आए थे और वो मुझसे ये कह रहे थे कि आपके जो राजा हैं वो तो अपने ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमें नहीं देखा कि हम स्वर्ग में कैसे हैं, अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। तो राजा जी बोले, अरे अच्छा ये भी बात है, तो मैं क्या करूँ कि मुझे पता चले वो सही से रह रहे हैं कि खुश से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। तो नाई जो था वो बोलता है कि मेरे पास एक तरकीब है और मैं पंडित जी को जानता हूँ, मेरी पंडित जी से बात हुई है, वो किसी को भी स्वर्ग भेज सकते हैं। तो क्यों ना हम बिरबल को स्वर्ग भेज देते हैं, वो जाएंगे वहाँ पे सबसे मिलेंगे और सब पता करके आएंगे वो कैसे रह रहे हैं, और कुछ दिक्कत होगा तो आकर आपको बताएंगे, आप फिर आप उस चीज़ का निवारण निकाल लीजिएगा। तो राजा खुश हो जाते हैं, हाँ चलो ये ठीक है। अब उसी टाइम तुरंत पूरी राजसभा बुला लेते हैं और बिरबल को बोलते हैं, बिरबल तुम्हें स्वर्ग जाना होगा। बिरबल एकदम शौक डरे, महाराज मुझे आप स्वर्ग क्यों भेजना चाहते हैं, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ और मैं मरा नहीं हूँ कि आप मुझे स्वर्ग की कामना कर रहे हैं। तो महाराज जी ने उनको बिरबल को सारा समझाया, ऐसी ऐसी बात है, नाई के सपने में पूर्वज आए थे और पंडित जी के पास तरकीब है स्वर्ग भेजने की। बिरबल तो चीज़ें समझ जाता है, लेकिन वो महाराज से बोलता है, महाराज मेरे पास कुछ घर का बहुत ज़रूरी काम है, मुझे सिर्फ आप 5 दिन दीजिए, 5 दिन के बाद मैं ज़रूर स्वर्ग चला जाऊंगा और मैं ये चीज़ें सब पता करके वापस आकर आपको बता दूंगा। तो महाराज बोलते हैं, ठीक है आज से 5 दिन तुम्हारे, 6वें दिन तुम आना और हम तुम्हें पंडित जी के द्वारा स्वर्ग भेजेंगे और ये चीज़ें करके आना। तो 6ठे दिन फिर से राज्यसभा पूरी इकट्ठा होती है, पंडित जी जो अपने तरकीब लगा के पूरा आग वग जला के एक जगह पूरी लकड़ी रख लेते हैं और बिरबल को बोलते हैं, बिरबल तुम वहाँ पीछे बैठ जाओ इस लकड़ी पे और मैं ये जला दूंगा और तुम जलते ही जलने के बाद स्वर्ग जाओगे और सब कुछ पता करके वापस चले आना। तो लकड़ी जल जाती है, फिर होता क्या है, फिर पूरी सभा एकदम शांत, बिरबल आग में चले जाते हैं। फिर उसी के 10-12 दिन के बाद बिरबल वापस आते हैं राज्यसभा के अंदर। तो उनकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, बाल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो महाराज ने पूछा, बिरबल बताओ वहाँ पे सारे स्वर्ग में मेरे जो भी पूर्वज हैं सब अच्छे से हैं ना, खुशी तो है, उनको कोई दुख तो नहीं है?
तो वो महाराज बोलते हैं, महाराज ऊपर बहुत सब बहुत खुशी से रह रहे हैं और आपकी बहुत तारीफ भी कर रहे थे, बस उनको एक ही बात का दुख है कि उनके बाल और दाढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, उनको सिर्फ एक नाई की ज़रूरत है, तो उनको सिर्फ एक अगर हम लोग नाई दे देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो महाराज ने फैसला किया, ठीक है इस नाई को भी हम स्वर्ग भेजेंगे, इसको भी आग लगा देते हैं। तो नाई घबरा गया, बोला कि अरे आग लगते ही तो मर जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग की उपज थी वो। तो नाई तुरंत घबरा के महाराज से बोलता, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सारा प्लान, ये सारी तरकीब इस पंडित जी की थी, जिन्होंने उन्होंने मुझे ये चीज़ बोला कि ये चीज़ करना। तब सबको माजरा समझ में आता है कि ये पंडित जी और ये नाई की मिली भगत थी, जो कि वो बीरबल को मारना चाहते थे। और बीरबल ने अपने दिमाग से बचा, कैसे बचा आप यही सोच रहे होंगे ना, चलिए तो मैं बताता हूँ। जो उन्होंने 5 दिन मांगे थे ना घर का काम करने के लिए, वो घर का काम नहीं था, वो एक सुरंग बना रहे थे, जहाँ पे वो लकड़ी रखी गई थी उनको जलाने के लिए ना, उसी के नीचे से उन्होंने एक सुरंग बना दी बाहर के लिए। तो उस जैसे वो आग जली ना, वो सुरंग के रास्ते से वो बाहर निकल गए और किसी को पता ही नहीं चला। तो इस तरह बीरबल ने अपनी जान तो बचाई और राजा जी की आँख भी खोल दी। तो आपको क्या सीखने को मिला इस स्टोरी से? इसमें बहुत से पॉइंट है सीखने के लिए, क्योंकि घर में देखिए नाई के बोलने पे राजा जी मान जाते हैं बीरबल को स्वर्ग भेजना। क्या हम भी घर में ऐसा कुछ करते हैं? सोचिए सोचिए, कोई भी घर के बाहर के आके कुछ आपको बोल देता है, मेरे सपनों में ऐसा आया था, आपके साथ ऐसा होना ऐसा होने वाला है, चलिए इस पंडित जी से मिल लीजिए। तो जैसे कोई बोलता है कि चलिए इस पंडित जी से मिल लीजिए, तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग रेडी हो जाते हो ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पंडित जी से लोग से या बाबा लोग से मिलना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन जो वो उपाय बताते हैं, जो चीज़ करने को बोलते हैं, उस चीज़ पे पहले एक बार आप सोचो, या फिर सोचो क्या पहले आप अपना ही दिमाग लगाओ। जब वो इंसान आकर बोला कि मेरे सपने में ये आया, भाई उसके सपने में अगर भगवान कुछ हिंट देना चाहते हैं, अगर ठीक है मान लेते भगवान ही सपने में आए, भगवान बोले या कोई और सपने में आकर आपके लिए आपके हित के लिए कुछ बताने जा रहा है, तो उसके सपने में क्यों आएगा? अरे आपके सपने में भी तो आ सकता है, क्या आप सोते नहीं हो, आप सपना नहीं देखते हो? तो एक चीज़ ये दिमाग लगाना, ठीक है? तो ये चीज़ आप एक नोटिस करिएगा। दूसरी बात, बीरबल ने क्या किया था, वो उसी टाइम समझ गया था, लेकिन उसी टाइम अगर वो रिएक्ट वो बता देता राजा जी को, राजा जी देखिए ये लोग इनकी मिली भगत है, ये कुछ गलत कराना चाहते हैं, राजा जी मानते हैं? नहीं मानते ना। वो सोचते हैं कि इसको स्वर्ग जाना है तो ये स्वर्ग जाने से बचना चाहता है और ये मेरा काम नहीं करना चाहता है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तो बीरबल ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो हम लोग को कोई जल मान लीजिए कुछ भी हुआ, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं ना कि नहीं 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 करेंगे नहीं करेंगे। तो आप वो 5 दिन लो, 5 दिन नहीं मतलब इसका मतलब है नहीं कि कोई छोटा सा काम हो तो आप उसके लिए 5 दिन लो, मैं बोल रहा हूँ टाइम लो, कोई चीज़ सोचे बिना ना करो, या किसी को कोई भी आकर, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप कुछ मत करो सुबह सुबह ना, अब क्या होता है वो जीरा मंगरैल या फिर लौंग, लौंग लेकर आप किसी के घर के बाहर 2-3 दाना छीट दो, ठीक है फेंक दो, उसके बाद आपको कुछ मत करना, कुछ उसमें वैसा होता है ना कि लोग मंत्र मार के फेंक देते हैं, वैसा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आप लो ऐसे फेंक देना, फिर उस घर में टांडव देखना, वो सबसे पहले उन लोगों को कैसे हटाया जाएगा वो तो बात की बात है, फिर उन लोग कोई पंडित जी उनके घर आते होंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या हुआ इसका क्या था, तो पंडित जी अपना दिमाग लगाएंगे कि ये किसी और ने भेजी थी, इसमें बुरी शक्ति थी, ये इसका खात्मा करने आई थी, इसको नुकसान पहुँचाने आई थी, लेकिन आप इसको आग लगा देते तो वो नुकसान टल जाता। तो पंडित जी कुछ ना कुछ फिर उपाय बताएंगे उसका, भले उस चीज़ का कुछ दुख हो ना हो, आप करके देख लीजिएगा, ये लाइव एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, लाइव एग्जांपल तो दिखाऊंगा नहीं बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ हुआ है। तो पंडित जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ पंडित जी ने सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं, उनकी अपनी विद्या होती है, अपने हिसाब से देखते होंगे, मैं भी कहीं थोड़ा रास्ता भटक जाती होगी, बट वो रास्ता बता देते हैं। बट लेकिन क्या कभी हमने अपने खुद से उस चीज़ में सवाल करते हैं हम कि क्या हम ये सही कर रहे हैं? देखिए कभी भी ऐसा चीज़ होता है ना तो हमारा दिमाग सीधे इसी जब चीज़ों के लिए जो बुरी शक्ति या निगेटिव एनर्जी होती है ना उसकी तरफ भागती होंगी, क्यों नहीं हम पॉजिटिव सोचते हैं, अरे वाह ये गिरा है, हो सकता है इसमें कुछ अच्छा होगा, अच्छा होने वाला है, हम तुरंत गलत सोचते हैं ना। तो हमें आज से क्या करना है, हमें सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलना है, कुछ भी ऐसा होता है तो हमें सोचना है पॉजिटिव,
गलत सोचना ही नहीं है कि देखिए जैसा हम सोच लेते हैं ना वैसी चीजें हमारे लाइफ में हमारे साथ होने लगती है। तो जैसे ही हमारा दिमाग ये निगेटिविटी और गलत चीजों पे चाहता है ना, तो धीरे धीरे आपके साथ गलत, आपके फैमिली के साथ गलत, अगल बगल गलत होना स्टार्ट हो जाता है। उसी की जगह आपको क्या करना है, सीधे पॉजिटिव सोचना है, अच्छी चीजें सोचेंगे अच्छा होगा। तो इस वीडियो से बहुत चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आप लोग से लूंगा अलविदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फ्रेंड वर्जन।